और कांड हो गया, एक अंडा तो टूट गया ना। एक बात है, कभी बनना कुछ नहीं इसमें, इसको हम फेंक देते हैं नीचे कहीं, एक को वो देखते हैं रखेगी पास या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हमारी ये दुआ हमारे देखने और चाहने वाले हमेशा खुश और आबाद रहें। तो आज जो हमारे छत पे जंगली कबूतर अंडे दिए हैं, वो आज हम उठा के अपने वाले कबूतरों के पास रखें, क्योंकि हमारे दोनों जोड़ों ने अंडे दिए हुए हैं, देखते हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। वैसे भी हमने वहाँ से वो उठाने थे, इतनी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ ना वहाँ पे, बुरी हालत की हुई उन्होंने, तो दिखाएंगे आपको भी चल के ऊपर। और अपनी मुर्गियाँ तो सारी निकल चुकी हैं बाहर, अभी लगभग आधा घंटा हो गया हमने निकाली हैं बाहर, उनको दाला वगैरह भी डाल दिया। और दिखाते हैं आपको चल के ऊपर क्या हालत है वहाँ पे और क्यों हम उठा रहे हैं इनके अंडे आज। हमारे तीन कबूतर तो यहाँ पे घूम रहे हैं ना, और ये अकेला रह गया, इसके साथ वाली को कोई चीज़ खा गई ना, इसके लिए हमें एक नई लानी पड़ेगी पार्टनर। चल के दिखाते हैं ऊपर, इतनी बुरी हालत है इसलिए हम उठा रहे हैं वहाँ से। इतनी हालत ख़राब है ना यहाँ पे, इस साइड पे देखो, पूरा देखो ना, पूरे रास्ते की बुरी हालत करके रखी हुई इन्होंने। यहाँ पे देखो तो क्या हालत, यहाँ पे देखो पूरे छाती की हालत देखो ना, बहुत बुरी हालत करके रखी। तो घर वालों से भी हमें डांट पड़ती है कि आप इनको बाहर ही निकालते। तो आज हम इनके जो अंडे हैं वो उठा के अपने कबूतरों के पास रखेंगे। एक्सेप्ट किए तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, अभी 2-3 दिन से दिए हुए, ज़्यादा देर भी नहीं हुई इनको। हाँ ऊपर रहना, तो मैं पहले ऊपर चढ़ता हूँ, उनको उठाता हूँ। ये अंडे तो मैंने उठा लिए, अब इनमें देखते हैं बच्चे बने हुए हैं या नहीं। अभी तो लगभग 2-3 दिन हुए ये दिए हुए, पहले चेक करेंगे फिर जाके अपने कबूतरों के पास रख देंगे। हल्के हल्के से मतलब अभी बनना स्टार्ट हुए, थोड़ी थोड़ी सी रगें आई हैं, कबूतरों के पास रखेंगे। तो दुआ करते हैं उनको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छी बात है, फिर ये हमारे अपने हो जाएंगे ना। वहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाता है बार बार, मैं सोचता हूँ इनके पास रख देते हैं, इसको उठाते हैं पहले, नहीं इनके पास रखते हैं, क्योंकि ये वाले इतने ज़्यादा और कांड हो गया, एक अंडा तो टूट गया ना। एक बात है, कभी बनना कुछ नहीं इसमें, इसको हम फेंक देते हैं नीचे कहीं, एक को वो देखते हैं रखेगी पास या नहीं। उनके नीचे डाल दिया मैंने ये, अभी तो वो कुछ करेगी या नहीं, देखते हैं क्या। वहाँ पे इस जोड़े ने भी अंडे दिए इस बार, लेकिन निकालते नहीं है ना। तो मेरे से टूटा, जैसे मेरा हाथ लगा उसके ऊपर तो वो टूट ही गया। चलो जाने दो, खैर एक तो उसने रख लिया अपने पास, कब तक निकालेंगे या नहीं। और दिखा तो मैं अपनी मुर्गी सारी जमा हो गई, जैसे ही मुझे यहाँ पे देखा कुछ ना कुछ खाने के लिए आया, लेकिन अभी सुबह इनको डाला है, बार बार थोड़ी डालेंगे। सारे आके जमा हो गए थे, तो मैंने बेइज्जती की, देखा कैसे वापस जा रहे हैं मुँह फुला के। ये भी बहुत ही सियाने हो गए हैं हमारी मुर्गियाँ भी, और ज़्यादा इनमें मुर्गे हैं, ये भी मुर्गा है, वो भी मुर्गा है, नीचे 2-3 देख रहे वो सब भी मुर्गे हैं। और मुर्गियाँ निकली कम इस बार के जो हमने लाए थे, ये अभी और भी ला रहे हैं ना, अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ नहीं आएगी, वो आप सबके लिए सरप्राइज़ है। कुछ दिनों के बाद वो भी आ जाएगा, सारे हमारी मुर्गियाँ और अच्छी अच्छी वाली वैरायटी वाली भी आपको दिखाएंगे। अभी हमने निकाले हैं अपने टर्की बर्ड्स बाहर, अभी लगभग 1 घंटा हो गया बाहर निकाले हुए, यहाँ पे घूम रहे हैं ये। शाम पड़ गई तो अब हम इनको डालते हैं मक्की, ताकि खा लेंगे। इस मुर्गे को कुछ हो गया, अंदर घुस के देखते क्या हुआ, इसको कुछ फंसा हुआ है, देखा इसको कुछ फंसा हुआ है, खा नहीं सकता कोई चीज़। ये आ चुके हैं अपने सारे मुर्गे, और एक ही हालत ख़राब है उसका, कुछ करेंगे अब। चलो अंदर चलो। अभी यहाँ पे झगड़ा चल रहा था इनका, और एक आज हमने वो काटा था उसने जो हमने जाली लगाई नीचे वो खाई हुई थी पूरी, अंदर से बुरी हालत हो गई थी उसकी, तो हमने फिर वो काटा, क्योंकि ना तो वो कुछ खा पा रहा था, ना पी पा रहा था पानी, और ना ही तो चल पा रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। अभी मैं आया था यहाँ पे, शोर मचा हुआ था ना, इधर देखो ऊपर कहाँ चढ़ के बैठे हुए हैं, चलते ही ये लाइट उतारनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता है अगर लाइट यहाँ पे चल रही हो तो। अभी हम मैं यहाँ से मतलब उतारता हूँ, फिर निकलते हैं बाहर, बाहर भी अंधेरा पड़ चुका ना। ये लैला मजनू,
ये है जी हमारा शेरू, कैसा हो गया, मतलब उतारते हैं फिर बाइक में चलते हैं। थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।